हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैल्टस K27 कैप्सूल के बारे में। चूंकि इस कैप्सूल को कैल्शियम में कमी हो, नस कमजोर हो, विटामिन्स की कमी हो तो उसमें यूज की जाती है। और भी ढेर सारे फायदे इस कैप्सूल के, जो कि आगे बात करेंगे हम। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, कैसे का प्राइस है, कैसे यूज करना है और कैसे का साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये कैल्टस K27 कैप्सूल जो कि एलडीपीआई हेल्थकेयर कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 290 रुपए है, जो कि इस दिन में 15 कैप्सूल अवेलेबल है। दोस्तों ये कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ देखते हैं कैल्सिट्रियोल, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन K27, साइनोकोबालामिन, जिंक, फोलिक एसिड विद एल मिथाइल फोलेट और भी कई सारे इंग्रेडिएंट डाले गए इस कैप्सूल में। दोस्तों कैल्टस K27 कैप्सूल जो कि कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर वन, दोस्तों इसको हड्डियों के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। नंबर टू, कैल्शियम कमी हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर थ्री, विटामिन D3 कमी हो। नंबर फोर, हड्डियों को मजबूत बनाता है ये, जैसे कि किसी किसी की हड्डी कमजोर हो जाते हैं तो उसके जोड़ों में से आवाज आती है तो वह लोग प्रयोग कर सकते हैं। नंबर फाइव, जोड़ों में दर्द रहता हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नंबर सिक्स, दांतों में कोई प्रॉब्लम हो, कैल्शियम की कमी से रिलेटेड हो तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद है। नंबर सेवन, हड्डी कमजोर हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर एट, मांसपेशियों में दर्द हो। नंबर नाइन, मांसपेशियों को मजबूत करता है कैप्सूल। नंबर टेन, खून की मात्रा को भी बढ़ाता है। नंबर इलेवन, नसों में दर्द हो। नंबर ट्वेल्व, और नस को भी मजबूत करता है कैप्सूल। तो दोस्तों इस कैप्सूल के इतने सारे फायदे हैं और इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके डोज के बारे में, कैसे करें। तो दोस्तों इस कैप्सूल को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के एज, वेट और कंडीशन को देखकर डोज देते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडल्ट को एक कैप्सूल रोज लेना होता है खाने के बाद, दूध या पानी के साथ, दोनों में से किसी के साथ भी ले सकते हैं आप। बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज को घटाते भी है और बढ़ाते भी है, तो आप इस तरह ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये कैप्सूल आप यूज कर रहे हैं तो ये बातें ध्यान रखें। नंबर वन, अगर आप पहले से कोई विटामिन D3 कैप्सूल या पाउडर ले रहे हैं तो इस कैप्सूल का प्रयोग ना करें। नंबर टू, प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर थ्री, लीवर किडनी पेशेंट भी यूज ना करें। नंबर फोर, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसके कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया। अगर बार बार यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि हेडेक, लूज मोशन, वॉमिटिंग, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, इसको यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो कैल्टस K27 कैप्सूल के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया कैप्सूल है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।